हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग अपने इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 यूपीएससी प्रीलिम्स स्पेशल सीरीज़ को कर रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट देख लिया था और आज हम सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा डिले हो गया ये पार्ट कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस पार्ट को। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अब मेरे पास इस समय कम से कम 108 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। बहुत खुशी की बात है ये कि लोगों को पसंद आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल हम लोग 101% सक्सेस गारंटी सीरीज़। और हमारा जो पहला इसमें है, व्हाट इज़ डीकपलिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो डीकपलिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, अब जो टर्म यूपीएस इसमें पूछा गया है वो डीकपलिंग है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे में स्पेशली मैंशनड एक टर्म है, मैं अभी आपको दिखाऊँगा। तो उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, वो हम लोग देख लेते हैं कि अनटिल अर्ली 2016 इंडियाज़ ग्रोथ हैड बीन एक्सेलरेटिंग। 2016 से पहले जो डिमोनेटाइजेशन किया था श्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उससे पहले इंडिया की ग्रोथ जो है वो एक्सेलरेट कर रही थी, जबकि जो दूसरी कंट्रीज़ थी वहाँ पे ग्रोथ डिसेलरेट कर रही हैं। तो इंडिया की ग्रोथ बढ़ रही थी और दूसरी कंट्रीज़ की ग्रोथ जो थी वो कम हो रही थी। फिर उसके बाद बट देन द कन्वर्स हैपेंड, सारी दुनिया ऊपर बढ़ने लगी तो इंडिया पीछे आने लगी आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। तो इसी को डीकपलिंग कहते हैं। डीकपलिंग का मतलब हो गया कि जब सारी दुनिया एक दिशा में बढ़े और आप दूसरी दिशा में चले जाएं, या आप जिस दिशा में जा रहे हैं दुनिया उसके अपोजिट दिशा में जाए, तो इसको डीकपलिंग कहा जाता है। ठीक है, कपल जैसे हमेशा एक साथ चलते हैं तो वो कपलिंग हो गया, और डीकपलिंग का मतलब हो गया कि जब दोनों एक साथ ना चलें, दोनों अपोजिट दिशाओं में चलें। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे पास आया। तो अब इसी चीज़ को, इसके रीजंस क्या हैं, मेन चीज़ हमको ये पता लगाना है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ दिस डीकपलिंग। तो डीकपलिंग की एक डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, इट टेक्स प्लेस व्हेन टू डिफरेंट एसेट क्लासेस दैट टिपिकली राइज एंड फॉल। इस तरीके का ये आपको यहाँ पे ग्राफ भी दिख रहा होगा। आपने साइंस के अगर स्टूडेंट हैं आई होप, तो आप लोगों को ये थोड़ा बहुत पता होगा कि इस तरीके से हमारी अगर कोई भी वेव चलती है, तो ये हमारे पास एक वेव ये चल रही है और ये दूसरी वेव चल रही है, दोनों ही क्या हैं, सिंक्रोनाइज्ड हैं एक दूसरे के साथ। इसका हाई है, क्रेस्ट इसका क्रेस्ट है, और यहाँ पे जो ट्रो है पहली वाले का, उस दूसरे वाले का भी ट्रो है। तो इस तरीके से ये हमारे पास कपल्ड वेव्स हैं फर्स्ट वाली, और जो सेकेंड वाला है हमारे पास वो डीकपल्ड वेव्स में आया है। डीकपल्ड वेव कैसे हो गई कि यहाँ पे इसका जो क्रेस्ट था वो इसका ट्रो के साथ मिल रहा है, तो ये दुनिया ऊपर को जा रही है तो इंडिया नीचे को आ रही है, ये दुनिया ऊपर को जा रही है इंडिया नीचे को आ रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये डीकपलिंग है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया आई होप। इसके कारण क्या थे कि हमारी डीकपलिंग हुआ, तो ये मैंने आपको बताया कि आफ्टर डीमोनेटाइजेशन ये चीज़ हुआ, तो ये फिर उसके बाद GST इंट्रोड्यूस कर दिया, उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई, हाई राइजिंग रियल इंटरेस्ट रेट थे हमारे पास उस वजह से, इंटेंसिफाइंग ओवरहैंग फ्रॉम द TBS चैलेंज, ट्विन बैलेंस शीट चैलेंज। अगर आपको TBS चैलेंज के बारे में पता लगाना है तो आप इकोनॉमिक सर्वे 01 भी देख सकते हैं और बजट सीरीज़ को भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें इंडिया का जो फिर उसके बाद डिमोनेटाइजेशन जब ख़त्म हुआ, तो फिर आप काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट ग्रोथ भी देखने को मिली, श्री सुब्रमण्यम जी बोलते हैं। और इंडिया की जो पोजीशन है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 100 पॉइंट्स चली गई पिछली बार से 30 पॉइंट ऊपर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसी में देखते हैं, रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग कुछ आपसे ये फैक्ट दिए गए हैं, एज इट इज़ वर्बोज उठाया गया है इकोनॉमिक सर्वे से। पहला एसर्शन, फैसिलिटेटिंग एग्जिट हैज़ बीन वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट इंट्रैक्टेबल चैलेंजेस। ये एसर्शन है। इसका रीज़न क्या है कि ओवर द लास्ट 50 ईयर्स इंडिया हैड गॉन फ्रॉम सोशलिज्म विद लिमिटेड एंट्री टू मार्केटिज्म। तो आपको पता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में हमारे पास सोशलिज्म भी है और कैपिटलिज्म भी है, मतलब कि हम सोशलिस्ट और मार्केट दोनों को देख करके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने फ्री हैंड दे रखा है सोशलिस्ट को कैपिटलिस्ट को। हम लोगों को गरीबों के बारे में भी चिंता करनी पड़ती है, क्योंकि इंडिया एक तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करता है, डेवलपिंग कंट्री है, नॉट लाइक अमेरिका कि जहाँ पे केवल कैपिटलिज्म चलता है। तो लिमिटेड एंट्री टू मार्केटिज्म विदाउट एग्जिट, मतलब कि यहाँ पे आपको उद्योग धंधा खोलना तो आसान है लेकिन उसको बंद करना काफ़ी मुश्किल है। इसी वजह से जो हमारे वेजेस कोड हैं, जो लॉज हैं चार, उनको कोडिफाई किया जा रहा है, तो देखते हैं वो कब तक हो पाता है। तो ये बड़ी समस्या वाली बात है कि एक बार आदमी अगर एंटर कर जाता है कैपिटलिज्म में अपनी कंपनी अपनी बनाने में, तो उसको फिर समस्या होती है वहाँ से बाहर आने में, इंसॉल्वेंसी, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाए,
लोन ना चुका पाए या कोई भी और समस्या आ जाए उसको अपने बिज़नेस में, तो उसको बंद करना बिज़नेस को काफ़ी मुश्किल पड़ता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि ये असर्शन, ये रीज़न क्या ये सही है, हम इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग देख लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे हमसे क्या कहता है। तो सीधी सी बात यहाँ पे आपको सीधा सीधा सा दिया हुआ है सेकेंड लाइन में ही, फैसिलिटेटिंग एग्जिट हैज़ बीन वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट इंट्रैक्टेबल चैलेंजेस, इवोकिंग द जनरलाइजेशन दैट ओवर द लास्ट 50 ईयर्स इंडिया हैड गॉन फ्रॉम सोशलिज्म विद लिमिटेड एंट्री टू मार्केटिज्म विदाउट एग्जिट। क्लियर, द IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बिल जो 2016 में आया था, रिजोल्यूशन प्रोसेस कुड प्रूव अ वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी फॉर टैकलिंग दिस लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम, और क्या है FRDI बिल। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास इस तरीके से कह सकते हैं कि आसानी से एग्जिट करने में मदद करेंगी। ठीक है, तो ये दोनों ही अगर देखा जाए तो अब इसका आंसर आप लोग कह सकते हैं डी होगा, क्योंकि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर सॉरी सी होगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन्स ए। ठीक है, आर ए को एक्सप्लेन करता है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में एज इट इज़ दूसरी ही लाइन में उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये। नेक्स्ट हम लोग के पास जो इकोनॉमिक सर्वे से डेटा निकल के आता है वो है सैनिटेशन कवरेज, मतलब कि स्वच्छ भारत अभियान जो हमारा चल रहा था। रूरल एरियाज के लिए बात किया गया है इकोनॉमिक सर्वे में, आपको सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जाननी है कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग 31% जो थे हाउसहोल्ड वहाँ पे टॉयलेट का कवरेज था। ठीक है, और इसी में अगर आप देखेंगे कि NFHS जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे निकालता है उसके अकॉर्डिंग 47 है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसके अकॉर्डिंग 63% है। अब ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI जो है ये देखने में तो बड़ी छोटी सी संस्था लग रही है, लेकिन लास्ट UPSC एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आ गया था। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो ये सर्व स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2016 कंडक्ट करवाया है वो इसी QCI ने कंडक्ट करवाया है। और अब इसी QCI ने 2017 में जो अपने आंकड़े दिए हैं वो ये दिए हैं कि ये जो टॉयलेट कंस्ट्रक्ट हुए हैं 63% 2016 में, उसमें से 91% यूज़ में है। ठीक है, टॉयलेट का यूज़ हो रहा है, मतलब 63% में 91% जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। तो अगर आपसे सेंसस डेटा कहता है कि सेंसस के अकॉर्डिंग कितना है रूरल इंडिया में, तो आप बोलेंगे 31%, और QCI के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछ ले तो 63%। लगभग एक आंकड़ा आपको याद रखना है। ओके, और स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण कौन कंडक्ट करवाता है QCI। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट इसमें देखते हैं कुछ करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको देखने हैं। अब अगर आपको इसको आप ये सोच के मार्क करेंगे कि सेंटर का जो टैक्स GDP रेशियो है इट इज़ नो हायर देन इट वाज इन द 1980s, तो आपको लगेगा कि भाई 1980s से तो काफ़ी आगे बढ़ गया है, 2017-18 आ चुका है, तो बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये बात तो आपको पहले से ही गलत हो जानी चाहिए, तो वन जहाँ पे भी आएगा वो कैंसिल कर दोगे आप। फिर आप कहोगे कि एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ बीन 6.5%, द मोस्ट रैपिड इन इंडियाज हिस्ट्री इन द लास्ट डिकेड, ये भी गलत सा लगेगा कि मोस्ट रैपिड है, ये ऐसा नहीं है। लास्ट डिकेड में मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान 8-9% तक गया था, तो क्वेश्चन को इसको देख के टू वाला भी आप गलत कर देंगे और सारे ही गलत हो जाएंगे, कोई ऑप्शन फिट बैठेगा नहीं। इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन को इससे समझते हैं कि हमारे इकोनॉमिक सर्वे में क्या कह रहा है। तो इकोनॉमिक सर्वे में अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया हैज़ 2 अंडरलाइंग माइक्रो इकोनॉमिक वनरेबिलिटीज़, इट्स फिस्कल एंड करेंट अकाउंट्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि ये ओवरकमिंग कमिंग फिस्कल वनरेबिलिटी, तो इस केस में आप देख रहे हैं कि जो टैक्स टू GDP रेशियो है, इट इज़ स्ट्राइकिंग दैट सेंटर्स टैक्स टू GDP रेशियो इज़ नो हायर देन इट वॉज इन 1980s। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, लास्ट टू लास्ट यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे जिसमें कि उसने टैक्स टू GDP रेशियो के सिंपल सा स्टेटमेंट दे रखा था कि वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है लास्ट डिकेड में। तो आपको यहाँ से दिखाई पड़ना चाहिए कि 1980s के दौरान जो था वही लगभग अभी भी रेशियो बना हुआ है, इट इज़ नो हायर देन इट वॉज इन 1980s। डिस्पाइट एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ 6.5%, द मोस्ट रैपिड इन इंडियाज हिस्ट्री। क्लियर, तो 6.5% की जो वो एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंडिया की हिस्ट्री में लार्जेस्ट है, हाइएस्ट है, तो ये इकोनॉमिक सर्वे कहता है, इस वजह से ये क्वेश्चन बना। अब आप आसानी से मार्क कर सकते हैं इस चीज़ को
कि फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी एकदम सही है, मतलब कि इसका जो ऑप्शन आएगा वो 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग एक चीज़ और समझ लें कि ये जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, कभी कभी डायरेक्ट आपसे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन ही पूछ लेता है, तो उसमें आप सीधे कह सकते हैं कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज़ द रेशियो ऑफ टैक्स कलेक्टेड टू द नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एज इट इज़ आप डेफिनेशन याद रखिए। ठीक है, जो भी टैक्स कलेक्ट होगा, क्योंकि टैक्स इज टू जीडीपी है, तो टैक्स ऊपर आएगा और जीडीपी नीचे आएगा, और कौन सा जीडीपी आएगा, जो हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल आ रहा है वो। एक चीज़ और समझते हैं, जब हम लोग जीडीपी की बात कर ही रहे हैं, तो जीडीपी बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी का क्या मतलब होता है, कि आप किस कंट्री में किस इज्जत के साथ रह सकते हैं, या आपका जो पैसा है वहाँ पर आपको क्या दिला सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे 1 रुपये की टॉफ़ी एक खरीद सकते हैं, लेकिन आप उस 1 रुपये को अगर अमेरिका में लेके जाएंगे तो आप वहाँ पे टॉफ़ी नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये परचेजिंग पावर पैरिटी होती है कि इंडिया में चीज़ें सस्ती में आपको अवेलेबल रहती हैं। इसीलिए यहाँ पे मेडिकल टूरिज़्म और इस तरीके की काफ़ी चीज़ें चलती हैं इंडिया में, कि लोगों को लगता है कि यहाँ पे सस्ता है, तो वो होता भी है, हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी हाई है। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपनी रैंक देखेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग, तो आपको ये ग्राफ दिखाई पड़ रहा होगा, तो ट्रिलियंस के टर्म्स में है हमारे पास ये। तो अगर आप ईयू को हटा दें यहाँ से, यूरोपियन यूनियन को हटा दें, क्योंकि ये एक पूरा आपका यूनियन है 27 अलग अलग नेशंस का, तो केवल आप कंट्रीज़ को कंपेयर करें तो चीन पहले नंबर पर है, यूएसए दूसरे नंबर पर है, और इंडिया तीसरे नंबर पर है। तो जापान भी हमसे पीछे है, रूस भी हमसे पीछे है, किन टर्म्स में, परचेजिंग पावर पैरिटी। इसका मतलब है कि इंडिया की थर्ड रैंक है, और परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में हमारी जो इकोनॉमी है वो 10.3 ट्रिलियंस की है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये बात याद रखनी है दोनों, कि इंडिया की रैंक पीपीपी के टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, थर्ड रैंक। और पीपीपी होता क्या, ये भी समझ लीजिए, टेक्स इनटू अकाउंट द रिलेटिव कॉस्ट ऑफ लोकल गुड्स सर्विसेज एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये इन कॉस्ट को लेके चलता है किसी भी कंट्री के। कितनी है इंडिया की इकोनॉमी, 10.3 ट्रिलियन इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, तो याद हो गया 10.3 ट्रिलियन इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, 10.3 ट्रिलियन। रैंक क्या है हमारी पीपी के टर्म्स में, थर्ड रैंक। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे जीडीपी नॉमिनल, तो जीडीपी नॉमिनल हम लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ना चाहिए कि इंडिया का जो दिया गया है नॉमिनल जीडीपी, तो उस केस में आपको पता है दो तरीके की होती हैं, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। नहीं अगर आपको पता है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को ध्यान से देखिए, वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो इंडिया का जो नॉमिनल जीडीपी है वो 2.65 ट्रिलियन है। ठीक है, 2018 में 2.65 ट्रिलियन, याद रखिएगा। 7th रैंक IMF के अकॉर्डिंग है इंडिया की, IMF के अकॉर्डिंग 7th रैंक है इंडिया की। ठीक, किसके, IMF के अकॉर्डिंग 7th रैंक। हमारी GDP पर कैपिटा अगर देखेंगे, पर कैपिटा इनकम कभी कभी पूछता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, डॉलर के टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो $1,852 है, 1,852, याद रखिए इसको। और अगर पैसे के टर्म्स में, मतलब रुपये के टर्म्स में देखेंगे, तो 1,11,782 रुपये हर आदमी यहाँ पर कमाता है। इसी चीज़ को, ये तो हमारे पास नॉमिनल है, तो ये कांस्टेंट प्राइसेस के टर्म्स में अगर आप देखेंगे 2011-12, तो कांस्टेंट प्राइसेस के टर्म्स में हमारा क्या है, 86,660। तो आपको कुल मिलाकर के ये याद रखना है कि 85,000 से 86,000 हमारा कांस्टेंट प्राइसेस के टर्म्स में पर कैपिटा इनकम है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा इस चीज़ को, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें IMF के अकॉर्डिंग, तो आपको एक ऑर्डर भी याद रखना चाहिए, US की जो इकोनॉमी है वो ये फर्स्ट, चीन की दूसरे नंबर पे है, जापान की तीसरे नंबर पे है, जर्मनी की चौथे नंबर पे है, फ्रांस की पांचवें नंबर पे है, ब्रिटेन की छठे नंबर पे है, और फिर उसके बाद इंडिया है। अब देखिए हमारे नरेंद्र मोदी साहब क्या बोलते हैं, इसको भी देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, कि ये जो रैंकिंग हमारे पास आई है कि इंडिया 2018 में 5वीं रैंक पे आ जाएगा, 2022 में 5वीं रैंक पे आ जाएगा, और 27 में तीसरी रैंक पे आ जाएगा, 32 में भी तीसरी रैंक पे रहेगा। तो इस तरीके से इंडिया की ग्रोथ होनी है। इसका आप मतलब समझ जाइए कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो आपको अगर रातों रात करोड़पति बनना है अपनी छोटी छाटी नौकरी में ही, या आप थोड़ा बहुत अगर पैसा कहीं से कमाते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड्स में ज़रूर इन्वेस्ट करिए, ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा होगा। आगे बढ़ते हैं,
पीएम नरेंद्र मोदी साहब पीएमओ से कुछ बोल रहे हैं, उनकी बात को ध्यान दीजिए। इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बाई नॉमिनल जीडीपी, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा इंडिया, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो हमारे यहाँ स्टार्टअप हो रहे हैं बहुत, मतलब बिज़नेस सेंटीमेंट्स और 100 रैंक भी हमको मिल गई है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो ये सारी बातें हमारी काउंट होंगी, ठीक है। तो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी बन जाएगी। फिलहाल अभी हम IMF के अकॉर्डिंग कौन से रैंक पर हैं, 7th रैंक पर। तो आपको दोनों रैंकिंग्स याद रखनी, बहुत अच्छे से माइंड में बैठा लीजिए इस बात को कि हम फिफ्थ नहीं हैं, हम सिक्स्थ नहीं, हम कहाँ पे हैं, 7th रैंक में हैं अकॉर्डिंग टू IMF। कुछ अलग और संस्थाओं के अकॉर्डिंग हम 6th रैंक में भी है, तो आप वो ज़रूर देखिएगा क्वेश्चन में कि IMF के अकॉर्डिंग कह रहा है क्या। तो अगर IMF के अकॉर्डिंग है तो US पहली इकोनॉमी है, उसके बाद क्या है हमारी, चीन, और फिर सारे वो मैंने आपको ऊपर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट बात, व्हाट इज़ इंटरनेशनल ट्राइलेमा। अरविंद सुब्रमण्यम जी ने बहुत इम्पॉर्टेंट एम्फेसिस दिया है इस टर्म के ऊपर कि इंटरनेशनल ट्राइलेमा क्या होता है। तो आइए समझते हैं इंटरनेशनल ट्राइलेमा। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन मार्क नहीं कर सकते हैं। तो श्री श्री सुब्रमण्यम साहब हमारे क्या बोलते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इंटरनेशनल ट्राइलेमा से जूझ रही है। तो होता क्या है, इट इज़ इंटरनेशनल ट्राइलेमा वेयर बाई एन इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सचेंज रेट ऑब्जेक्टिव कैन नॉट को एग्जिस्ट विद एन ओपन अकाउंट कैपिटल अकाउंट। तो तीन चीज़ों की यहाँ पे बात करी गई है, एक तो इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी है, दूसरी चीज़ है हमारे पास ओपन रेट ऑब्जेक्टिव, एंड थर्ड वन इज़ ओपन कैपिटल अकाउंट। तो ये तीनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, दिस इज़ नोन एज इंटरनेशनल ट्राइलेमा, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल ट्राइलेमा है, वेयर बाई एन इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी फर्स्ट एंड एन एक्सचेंज रेट ऑब्जेक्टिव सेकेंड कैन नॉट को एग्जिस्ट विद एन ओपन कैपिटल अकाउंट थर्ड। तो ये तीन बातें यहाँ पे कही गई हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा वाला एग्जैक्ट फिट हो रहा है उनकी सेंटेंस से। तो फिर से देख लीजिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट ऑब्जेक्टिव एंड ओपन कैपिटल अकाउंट, तीन बातें, दे कैन नॉट को एग्जिस्ट, ठीक है, याद रखिएगा। शब्दों का हेर फेर ही किया जाएगा अगर क्वेश्चन को घुमाना होगा, नहीं तो डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इंटरनेशनल ट्राइलेमा। अब समझते हैं हम लोग विनर्स कर्स को। तो विनर्स कर्स क्या चीज होता है, ये अरविंद सुब्रमण्यम बहुत बढ़िया बढ़िया इसमें बातें करते हैं हमारे, तो उसी में हम लोग देख रहे हैं विनर्स कर्स। तो विनर्स कर्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, इट इज़ अ कर्स, द विनर्स कर्स इज़ अ टेंडेंसी फॉर विनिंग बिड इन एन ऑक्शन टू एक्सीड ट्रू वर्थ ऑफ एन आइटम। विनर्स कर्स इज़ अ टेंडेंसी फॉर विनिंग बिड इन एन ऑक्शन टू एक्सीड ट्रू वर्थ ऑफ एन आइटम, कि जब भावनाओं वश, ठीक है ना, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की वजह से ज़्यादा दाम लगा दिया जाता है। मान के चलो कि सरकार ने कोल ऑक्शन दिया कृष्णा गोदावरी बेसिन में, गैस ऑप्शन दिया ओपन करने का, तो रिलायंस ने भावनावेश आकर के कि हाँ हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर लेंगे और दुनिया भर का हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो उन्होंने उसके दाम को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा करके सरकार को पे कर दिया। लेकिन फाइनली उनको पता चला कि ये तो गलती हो गई भाई, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की वजह से या जो भी चीज़ें हों, तो उनको उसमें उतना मुनाफा हुआ नहीं गैस निकाल करके, ऐसा वो बोलते हैं। तो इसी चीज़ को ये बोला जाता है विनर्स कर्स, ठीक है, कि जब आप किसी चीज़ की कीमत को उसकी औकात से ज़्यादा आंक लें, ठीक, या आप अपनी ही वजह से उस चीज़ को पूरी तरीके से यूटिलाइज ना कर पाएँ, तो वो होता है विनर्स कर्स। तो यहाँ पे यही चीज़ आता है विनर्स कर्स के बारे में, ये सुब्रमण्यम साहब ने कुछ बोला हुआ है वही आपको यहाँ पे बताया गया है, वेयर बाई फर्म्स ओवर बिड फॉर एसेट्स leading to adverse consequences in each of the sectors, but they created transparency and avoided rent seeking. ठीक है, तो transparency तो होती है क्योंकि भाई सरकारी देख रेख के अंदर में काम होगा, तो लेकिन वो क्या होता है कि benefit नहीं उठा पाते हैं उसी चीज़ का, इसीलिए वो उनके लिए कर्ज की तरह काम करता है, जीत तो गए लेकिन जीत के भी हार गए, ठीक है, तो ऐसी जीत का क्या फ़ायदा। चूज़ करेक्ट स्टेटमेंट्स, करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है आपको, तभी चूज़ कर पाएंगे जब आपको चीज़ें पता हों। इन द लास्ट 4 years द लेवल ऑफ रियल एग्रीकल्चरल GDP एंड रियल एग्रीकल्चरल रेवेन्यूज हैज़ रिमेंड कॉन्स्टेंट। क्या एग्रीकल्चरल रेवेन्यू कॉन्स्टेंट रही थी, नहीं रही थी, पता लगाते हैं। क्लाइमेट चेंज रिड्यूस हो जाएगा फार्म इनकम अगर
20 से 25% बाई अप टू 20 to 25% इन द मीडियम टर्म। 2017-18 कंपोजिशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलीड इंडस्ट्री एंड सर्विसेज सेक्टर। तो एग्रीकल्चर एंड एलीड इंडस्ट्री का जो है कंपोजिशन 17.32 है, 17-18 में बात हो रही है। इंडस्ट्री का 29% है शेयर और सर्विसेज सेक्टर का 53.66% है। ये तो सभी को पता है, तो ये सेंटेंस तो ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या कह रहे हैं ये। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन द लास्ट 4 ईयर्स द लेवल ऑफ रियल एग्रीकल्चरल जीडीपी एंड रियल एग्रीकल्चरल रेवेन्यूज हैज़ रिमेन कॉन्स्टेंट ओविंग इन पार्ट टू वीक मॉनसून इन दोज टू ऑफ दोज ईयर्स। तो कॉन्स्टेंट रहा है, उसका रीज़न क्या है कि वीक मॉनसून था 2 सालों के लिए, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इन द लास्ट 4 ईयर्स द लेवल ऑफ हैज़ रिमेन कॉन्स्टेंट, सही चीज़ है, ठीक। दूसरी चीज़ हमको कह रहा है कि एनालिसिस ऑफ चैप्टर 6 सजेस्ट दैट क्लाइमेट चेंज हुज इम्प्रिंट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर इज ऑलरेडी विजिबल माइट रिड्यूस फार्म इनकम बाई 20 to 25%। तो यहाँ पे आपका ये दूसरा सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। तो याद रखना है आपको, ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी, फिर से एसर्शन रीजंस के कुछ क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है मैन्युफैक्चरर सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट एंड प्रेफर लो इंटरेस्ट रेट एंड वीक करेंसी। तो क्या वो लो इंटरेस्ट रेट और वीक करेंसी प्रेफर करते हैं? रीज़न क्या है कि प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा अगर इंटरेस्ट रेट कम रहेगा, करेंसी वीक रहेगी तो। भले ही कुछ इनपुट्स इंपोर्ट किए जाएं, मार्केट शेयर ग्रो करेगा, इस वजह से वो प्रॉफिट देगा। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स जो होंगे उनको हाई डोमेस्टिक वैल्यू ऐड हो जाएगी तो वीक रुपी उनको फेवर करेगा, मतलब कि उनके एक्सपोर्ट आसानी से होंगे, वो अपनी सर्विसेज बेच सकेंगे। जैसे बीपीओ वीपीओ सेक्टर्स होते हैं तो वो यहाँ पे काम क्यों करवाते हैं विदेश वाले, क्योंकि अपने पास इतने बच्चे हैं, नौकरी नहीं है। बीपीओज में काम कर रहे हैं, केपीओज में काम कर रहे हैं, तो सस्ती सर्विसेज अवेलेबल हैं इंडिया में, तो वो हमारे लिए एक तरीके से बूमिंग सेक्टर है और उसमें अच्छा खासा वो लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि नहीं वो बात अलग है, लेकिन पैसा तो फिलहाल मिल ही जाता है। फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं वो दूसरी बात है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अब देखें इस चीज़ को पहले वाले को पता लगाने के लिए और दोनों को, तो देखते हैं कि अरविंद सुब्रमण्यन साहब ने क्या कहा है। तो सीधे से देखें यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है, प्रेफरेंस दिया गया और रीजंस दिए गए हैं। रट लाइए इस चीज़ को, रट लीजिए कि मैन्युफैक्चरर सर्विसेज और एक्सपोर्ट फार्मर जो होंगे वो लो इंटरेस्ट रेट चाहते हैं, हमेशा वीक करेंसी चाहते हैं। क्यों चाहते हैं उसका रीज़न आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। 2 मिनट वीडियो को पॉज करके आप ये सारा पढ़ जाइए और रट जाइए इस चीज़ को। इसी तरीके से आपका इम्पोर्ट एंड इंटेंसिव मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनके लिए भी देख लीजिए। डोमेस्टिक ओरिएंटेड फर्म्स को लो इंटरेस्ट रेट चाहिए, क्यों? प्रॉफिट बढ़ जाएगा, डेब्ट बर्डन घटेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए क्या है? स्ट्रॉन्ग करेंसी, लो इंटरेस्ट रेट, ठीक है। करेंसी को स्ट्रॉन्ग चाहेंगे वे, क्यों चाहेंगे? स्ट्रॉन्ग करेंसी रिड्यूसेस कॉस्ट विदाउट अफेक्टिंग रिवेन्यूज, ठीक है, विच आर अर्नड इन रुपीज़, ठीक। कॉस्ट रिड्यूस जाएगी, पैसे की कीमत बढ़ेगी तो वो कम पैसे से ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे, इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ को मुनाफा रहेगा। हाउस होल्ड को हमेशा हाई इंटरेस्ट रेट चाहिए, आपके मेरे जैसे गरीब लोग वो हमेशा ही चाहेंगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे, भाई हम पैसा जमा करेंगे बैंक में, हमको अच्छा मुनाफा मिलेगा, तो रिटर्न्स ऑन सेविंग बढ़ जाता है इंटरेस्ट रेट हाई होने से, ठीक। तो इस वजह से हाउस होल्ड को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भाता है। तो मेन चीज़ मोटा मोटे तौर पर याद रखना है कि जो भी एक्सपोर्टर्स होंगे वो हमेशा लो इंटरेस्ट रेट चाहेंगे और वीक करेंसी चाहेंगे। जो भी एक्सपोर्टर वो हमेशा ही वीक करेंसी चाहेगा ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा माल बिक सके, ठीक। तो ज़्यादा माल बिकेगा तो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाएगा, क्लियर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है? IMF देख देख के फंड बांटेगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो लुक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो देख देख के ही बांटा जाता है फंड। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF पब्लिश करता है। क्या इसने बताया है कि IMF शोज ग्लोबल ग्रोथ एक्सेलरेटेड टू अराउंड 3.6%। जो सारी दुनिया का विकास हो रहा है वो 3.6% के आसपास है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत की ग्रोथ अगर 6.5% से 7% के बीच में आ रही है तो सारी दुनिया की ग्रोथ कितनी है? तो सारी दुनिया की जो इस समय एवरेज ग्रोथ है
वो 3.6% है, बड़ी है, 3.2% 2016 में थी, अभी बढ़ गई है। एंड द फोरकास्ट फॉर 2018 हैज़ बीन अपग्रेडेड बाई 0.2% पॉइंट टू 3.9%, ठीक है, तो 2018 में ये और बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन हमसे कह रहा है फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ बात सुब्रमण्यम जी ने कही है, तो जान लीजिए 54% नॉन एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आती है। अभी फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, फिर से देख लीजिए। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, पहला तो सोशल सिक्योरिटी के टर्म्स में, एंड सेकेंड वन फर्म्स आर द पार्ट ऑफ टैक्स नेट। मैंने पुरानी वीडियोज़ में आपको ये चीज़ बताई हुई है, ज़रूर देखिएगा। तो दोनों ही चीज़ों से हमें फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के बारे में पता चलता है। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि फॉर्मेलिटी क्या चीज़ होती है, तो फॉर्मेलिटी के टर्म्स में सारी बात हुई थी। तो या तो आप सोशल सिक्योरिटी स्कीम के द्वारा कवर किए जाते हो जो भी नौकरी में आप हों, या आपको क्या हो टैक्स नेट में आप आते हैं, तो ये फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग सुब्रमण्यम कहते हैं कि 54% नॉन एग्रीकल्चरल वर्क फोर्स जो है, एग्रीकल्चर को आप हटा दीजिए सेपरेट कर दीजिए, जो बाकी 54% है, मोर देन 50% वो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में है। बहुत अच्छे से इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास 54% आया है, याद रखना है इस चीज़ को। तो कुछ बातें हैं वो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रबी खरीफ एंड टॉप के बारे में बात करते हैं, खासकर टॉप के बारे में हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना है इस बार। तो पहला पॉइंट हमारे पास है द एकरेज ऑफ, तो जो एकड़ है जो जितने जो एरिया में खरीफ और रबी क्रॉप ग्रो किया जाता है वो डिक्लाइन हो गया है। खरीफ डिक्लाइन हुआ है, खरीफ का जो एकरेज है वो डिक्लाइन हो गया 6.1% से, और रबी का जो डिक्लाइन हुआ है वो 0.5% से। मतलब कि वहाँ पर जाहिर सी बात है कि अब कोई दूसरी क्रॉप वो लोग उगा रहे होंगे, इस वजह से उनका जो एरिया है वो कम हो गया है। नेक्स्ट चीज़ समझिए, ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन क्या चीज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है 500 करोड़ रुपया ऑपरेशन ग्रीन के लिए। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री इस चीज़ को ऑब्जर्व करेगी, इंप्लीमेंट करेगी, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री नॉट एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री। और इसमें टॉप का प्रोडक्शन होगा, टॉप कहाँ तक, टोमेटो अनियन एंड पोटैटो, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, टोमेटो अनियन एंड पोटैटो। ये टॉप पोडियम स्कीम नहीं है, टॉप स्कीम मतलब कि टारगेट ओलंपिक पोडियम, वो अलग चीज़ है खेल मंत्रालय के द्वारा। ये है हमारे पास टॉप फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के द्वारा, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं। और किस ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन ग्रीन के तहत, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना इस चीज़ को, और याद रखिएगा ये जो टॉप स्कीम है इसी के दौरान आपका मुख्यमंत्री भावांतर योजना जो मध्य प्रदेश में लागू हुई थी और फिर महाराष्ट्र में लागू हुई है, तो वो भी आप लोगों को याद रखनी है, मैं पहले भी बताया हूँ। इन्फ्लेशन एंड सीएडी के बारे में देख लेते हैं कि क्या इन्फ्लेशन और सीएडी के बारे में हो रहा है। तो जो अपस्विंग आया था रिसेंट अभी इन्फ्लेशन में, उसका जो कारण इन्होंने बताया है कि अनयूजुअल अनसीजनल प्राइसेस इन द प्राइसेस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और देखिए एक बहुत अच्छी सी बात, एक बहुत अजीब सी बात दे रखी है कि 7th पे कमीशन हाउसिंग रेंट अलाउंस, ये भी एक कारण है इन्फ्लेशन का, विच मैकेनिकली इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। तो अगर आपसे कहता है कि क्या HRA जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है उससे इन्फ्लेशन होता है, तो वो भी है, इंक्लूड कर लिया है। तो ये बात बस यहाँ पे बतानी थी आपको। नेक्स्ट जो इसमें आता है करंट अकाउंट डेफिसिट, वो हमारा बढ़ा है, कितना परसेंट बढ़ा है ये याद रखिएगा, 1.5 to 2% ऑफ द GDP, इतना हमारा CAD है इस समय चल रहा है GDP का, 1.5 से 2% के आसपास। पहले भी मैंने बताया था आपको करंट अकाउंट डेफिसिट बजट सीरीज़ में, यहाँ पे फिर से आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, ठीक। और इसके कारण क्या है, गोल्ड इम्पोर्ट हो गया, ऑयल इम्पोर्ट हो गया, तो ये सारी बातें आ जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बॉन्ड के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमेशा एक ना एक क्वेश्चन UPSC में आता है। बॉन्ड होता क्या चीज़ है भाई, अगर किसी कंपनी को कुछ अपने मार्केट को बढ़ाना है तो पैसा इन्वेस्ट करना है, वो पैसा कहाँ से लेके आएगी, या तो वो बॉन्ड्स इशू करती है, इक्विटीज़ इशू करेगी, शेयर्स इशू करेगी। बॉन्ड क्या चीज़ होता है, जैसे मैं आपको लिख के दे दूँ कि अगर आप आज मुझे 100 रुपये देंगे उधारी में, तो मैं आपको एक साल बाद 10% बढ़ा करके दूंगा, मतलब कि आपको मैं 110 रुपये रिटर्न करूंगा, ठीक है। तो मूलधन तो आपको दूंगा ही, जो बॉन्ड की प्राइस है 100 रुपया, और साथ में इंटरेस्ट भी दूंगा आपको 10 रुपया, ठीक। तो इस तरीके से मैं आपको कहूँगा और आपको एक बॉन्ड जारी कर दूँगा, ठीक है। तो आप मेरे लिए क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर हो जाएंगे, आप मेरे लिए क्रेडिटर हो जाएंगे, क्योंकि आपसे मैं क्रेडिट ले रहा हूँ,
ठीक, आपसे मैं उधारी ले रहा हूँ, क्लियर है बात, तो आप मेरे लिए क्रेडिटर हो जाएंगे और मैं इशूअर हूँ, मैं आपको बॉन्ड इशू कर रहा हूँ, बॉन्ड जारी कर रहा हूँ। अब ये बॉन्ड कौन जारी कर सकता है? तो कह सकते हैं कॉरपोरेट या गवर्नमेंट, जो भी होंगे इसमें एंटिटीज़, कॉरपोरेट एंटिटी जो कंपनीज़ रहती हैं, प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड कंपनीज़ वो, और गवर्नमेंट, दोनों ही इशू करती हैं टाइम टू टाइम। ठीक, और जो इंटरेस्ट रेट होता है इसका, उसको हम लोग कूपन रेट कहते हैं। ठीक है, तो जो हमको देना पड़ता है, तो आपके पास अगर कोई बॉन्ड है तो आप उसे दूसरे को बेच भी सकते हैं, क्लियर, तो वो आपकी मर्ज़ी, आप उसे कितने में बेचते हैं। लेकिन इंटरेस्ट, वो जब भी मेरे पास वो पर्चा आएगा जिसमें मैंने लिख के दिया हुआ है, तो मैं उतना ही इंटरेस्ट दूंगा उतने ही टाइम के बाद, आप चाहे उसे दूसरे को कितने भी रुपयों में क्यों ना बेचें। तो होता क्या है, देखिए, बॉन्ड यील्ड जब भी मार्केट में कभी भी उतार चढ़ाव आता है और किसी कंपनी का शेयर घटता बढ़ता है, तो उस केस में जो कस्टमर्स होते हैं, जो जिन्होंने बॉन्ड मतलब ख़रीदा होता है, पैसे लगाए होते हैं अपने, वो उसको बेच देते हैं दूसरे इन्वेस्टर्स को। ठीक, तो कुछ लोग ख़रीदते हैं उस चीज़ को, जिनको कि हम लोग कहते हैं कि वो मार्केट में देख रहे हैं कि उतार अभी चढ़ाव आएगा, बुल उनको कहा जाता है। इसी तरीके से कुछ लोग देखते हैं कि मार्केट डाउन होगी अभी, और उसको बियर कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से बुल और बियर का ये मार्केट चलता है। स्टैग करके भी एक टर्म आता है जो न्यूट्रल रहता है, तो उस केस में वो भी इम्पॉर्टेंट है, तीनों ही। तो बॉन्ड यील्ड इज़ द अमाउंट ऑफ रिटर्न एंड इन्वेस्टर रियलाइजेस ऑन अ बॉन्ड। तो बॉन्ड यील्ड क्या होता है कि कोई भी बॉन्ड आपने लिया, ख़रीदा, तो उससे आपको कितना मुनाफा हुआ, उसने आपको क्या ओवरऑल प्राइस पे किया, क्या इंटरेस्ट पे किया। तो बॉन्ड यील्ड का सीधा सा फॉर्मूला है इंटरेस्ट अपॉन बॉन्ड प्राइस। जितना ज़्यादा बॉन्ड प्राइस होगा, बॉन्ड यील्ड उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट कम मिलेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा बॉन्ड यील्ड उतना ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपको मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, इतनी मैथ्स आती है कि अगर हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा है तो बॉन्ड यील्ड ज़्यादा होगी, अगर बॉन्ड प्राइस कम हो रहा है, बॉन्ड प्राइस कम हो रहा है, इंटरेस्ट वैसे का वैसा ही बना हुआ है लेकिन बॉन्ड प्राइस कम हो जाए तो भी बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी। बॉन्ड प्राइस कम कब होगा? सपोज़ कि मैं बियर हूँ और मैं देखता हूँ कि अभी मार्केट में और घटाव आएगा, और मैं अपने जो 100 रुपये का बॉन्ड मैंने ख़रीदा था कंपनी का, ठीक, छेने लाल मिठाई वाले का, तो हमने सोचा कि उसकी मिठाइयाँ अब बिक नहीं रही हैं और भविष्य में उसकी मिठाइयाँ और नीचे गिरेंगी, कोई नहीं ख़रीदेगा, तो मैंने जो 100 रुपये का बॉन्ड उससे ख़रीदा था, मैं उसको क्या कहूँगा, किसी को कहूँगा कि भैया तुम 80 रुपये में मुझसे ये बॉन्ड ख़रीद लो, 80 रुपये में मुझसे ये बॉन्ड ख़रीद लो, क्योंकि भाई मेरा नुकसान होगा अगर मैं उसको उस समय बेच करके किसी दूसरे में इन्वेस्ट कर दूंगा। मेरे पास जो 80 रुपये आएंगे उससे मैं कोई अच्छा वाला शेयर ख़रीद लूँगा, मुझे ये लगता है। तो इस वजह से उसकी जो बॉन्ड यील्ड थी, इस 100 रुपये वाले बॉन्ड की, वो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि उसका बॉन्ड प्राइस घट रहा है, बॉन्ड प्राइस घट रहा है, पहले 100 रुपये में था, अब दूसरा कस्टमर 80 रुपये में ले रहा है, तो उसकी बॉन्ड यील्ड बढ़ गई। मान लो ये 80 वाला भी घबरा जाए तो ये दूसरे को क्या कहेगा, भैया 60 रुपये में ही ले लो चलो। ठीक, तो वो बॉन्ड प्राइस और नीचे हो गया, तो बॉन्ड की यील्ड और ज़्यादा बढ़ गई। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारा बॉन्ड प्राइस बढ़ता है तो बॉन्ड यील्ड कम होता है। बॉन्ड प्राइस क्यों बढ़ता है, इसका मैंने आपको कारण बता दिया, मार्केट में निगेटिव सेंटिमेंट्स आने की वजह से, क्लियर है। तो अगर दूसरी बात यहाँ पे ये भी याद रखनी है कि बॉन्ड प्राइस इंक्रीज़ होगा तो बॉन्ड यील्ड फॉल होगी, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट के साथ बॉन्ड प्राइस फॉल होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बॉन्ड प्राइस अपने आप फॉल हो जाता है, ये इनके बीच में रिलेशन है। ठीक है, अब आप ये ना सोचिएगा कि भैया बॉन्ड प्राइस में जो इंक्रीज़ हो रहा है इंटरेस्ट रेट में, तो इंटरेस्ट रेट अकेला नहीं बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट अकेला नहीं बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बॉन्ड प्राइस घट रहा है, क्लियर है। तो इस वजह से बॉन्ड यील्ड फिर बढ़ जाएगी, तो हाई इंटरेस्ट रेट्स एंड लो बॉन्ड प्राइस विल अगेन लीड टू हाई बॉन्ड यील्ड। ठीक, तो बॉन्ड यील्ड जो होता है वो फॉल क्यों होगा, हाई रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न याद रखिएगा। तो बॉन्ड यील्ड फॉल हो जाता है, बढ़ता नहीं है, घट जाता है, हाई रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ और रिसेशन, एक ये पॉइंट भी याद रखना है। चलिए आगे समझते हैं इस चीज़ को कि क्यों मैंने इतना ये सब बताया है। सुब्रमण्यम जी कहते हैं कि हमारा जो है, क्योंकि
हम लोग अभी यहाँ पे इसको देखते हैं, 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे जो इंटरेस्ट मिल रहा हैव बीन क्लाइंबिंग स्टेडली, और कितना है 6.4 से 7.3%। मतलब कि सरकार जो है वो इशू कर रही है अपने बॉन्ड्स, अपने सिक्योरिटीज़ इशू कर रही है और कह रही है कि हमसे पैसा ले लो, हमसे ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लो और हमको पैसा दो। सरकार पैसा मार्केट से लेना चाहती है। अब सरकार को हम पैसा क्यों देंगे? इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलेगा, इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलेगा। और आपको पता है कि जब इस तरीके की सारी चीज़ें होंगी, इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार को पैसा मिलेगा अच्छा खासा। लेकिन उसकी जो बॉन्ड यील्ड है वो क्या हो रही है? मैंने बताया अभी आपको कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के साथ यहाँ देखिए क्या हो रहा है, बॉन्ड प्राइस गिर रहा है। और बॉन्ड प्राइस अगर गिरेगा तो बॉन्ड यील्ड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसको इस ग्राफ से आप सीधे से समझ सकते हैं, चेंज इन बॉन्ड यील्ड इन 1 ईयर। तो पहले क्या थी बॉन्ड यील्ड और कहाँ पहुँच गई, ये देखिए। ठीक है, तो याद रखना है इस चीज़ को, दोनों ही चीज़ों को, कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनका इंटरेस्ट रेट तो बढ़ गया है, लेकिन जो बॉन्ड यील्ड है वो क्या हो गई है, घट गई है काफ़ी ज़्यादा। सॉरी, बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है और जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ा है। तो दोनों ही चीज़ें याद रखनी है। ठीक, क्लियर हो गया आई होप। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो एग्जैक्टली यही पॉइंट लिखे हुए हैं, बॉन्ड यील्ड्स हैव इंक्रीज्ड शार्पली। तो डायरेक्ट आपके से क्वेश्चन आएगा, इन द लास्ट 2 ईयर्स या 1 ईयर बॉन्ड यील्ड्स हैव डिक्रीज्ड या बॉन्ड यील्ड्स हैव इंक्रीज्ड। तो आपको याद रखना है बॉन्ड यील्ड इंक्रीज़ हुई है, और बॉन्ड यील्ड होता क्या है वो भी आपको बता दिया, इंटरेस्ट अपॉन बॉन्ड प्राइस। इंटरेस्ट और बॉन्ड प्राइस में रिलेशन क्या है वो भी आपको बता दिया, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस गिरेगा। कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप वहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट एक टर्म इन्होंने लिया है, क्राई ऑफ द वुल्फ ट्रैप। ठीक है ना, भेड़ की तरह रोने वाला जो ट्रैप है वो क्या है? तो ये अच्छी कहानी, आप पढ़िएगा इस कहानी को, कि भेड़िए को फंसा देते हैं वो गड्ढे में। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि इस ट्रैप से दूर रहने को इन्वेस्टर से, कि बॉन्ड प्राइसेस विल फाइनली फाइनली करेक्ट हैविंग डिफाइड द प्रिडिक्शन फॉर करेक्शन इन ईच ऑफ द लास्ट सेवरल ईयर्स। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं तो जिन्हें लगता है कि बॉन्ड प्राइसेस अब सही होगा, अब सही होगा, वो इन्वेस्ट करते चले जाते हैं और इस तरीके से। तो दिस इज़ द क्राई ऑफ द वुल्फ ट्रैप, तो इससे सावधान रहने को कह रहे हैं सुब्रमण्यम जी। कहते हैं कि ऑन वैल्यूएशन द प्रोग्नोस्टिकेटर मस्ट नेविगेट अ नैरो स्ट्रेट स्टीयरिंग क्लियर ऑफ द क्राई ऑफ द वुल्फ ट्रैप। और ये क्राई ऑफ द वुल्फ ट्रैप क्या है, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन याद रखनी है, कि बॉन्ड प्राइसेस विल फाइनली फाइनली करेक्ट, कि हाँ अंतिम समय में तो अच्छे हो ही जाएंगे, लेकिन ये प्रिडिक्शन पिछले कुछ सालों से गलत होती चली आ रही है। ठीक है, और दूसरे जो वार्निंग उन्होंने दी है, क्या कह रहे हैं कि दिस टाइम इट्स डिफरेंट, इससे भी दूर रहना है। मतलब ये नहीं सोचना है अब सही हो जाएगा, इस बार कुछ अलग कहानी हो रही, नहीं, कहानियाँ हर जगह सेम है। तो इस वजह से दिस टाइम इज़ डिफरेंट, ये भी वो वार्निंग दिए हैं कि इससे भी हम इन्वेस्टर्स को दूर रखना है। तो स्टॉक वैल्यूएशंस आर सस्टेनेबल दिस टाइम बिकॉज इंटरेस्ट रेट विल रिमेन एट हिस्टोरिक लोज। ठीक है, तो ये आपको क्राई ऑफ द वुल्फ ट्रैप के लिए याद रखनी है चीज़ें। समझ में आए तो ठीक, नहीं तो डायरेक्ट आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ये चीज़ें रटना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ें नहीं है, एज इट इज़ क्रैम कर लीजिए चीज़ों को। जितना समझाया जा सकता था वो सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं। तो जैसा कि मृणाल कहते हैं, रट्टा मारो जिंदाबाद, तो रट्टा मारिए जिंदाबाद, इतनी चीज़ें आप रट जाइए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, इकोनॉमिस्ट नहीं बनना है। ठीक है, तो अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, बिना लाइक किए मत जाइएगा, कमेंट करिएगा अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी कॉन्सेप्ट में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। शेयर करने से ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा तो ईश्वर आपको और सफलता देगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और नई बातों के साथ, तब तक आप इस पूरे वीडियो को फिर से देखिए और सारी चीज़ों को अच्छे से कर लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, तैयार करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।